हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सिला किचन में देखिए चावल के पापड़ बनाए हैं और ये पापड़ कैसे बनाई हूँ वह शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और देर ना करते हुए चलिए देख, चावल की आटा लिया है देखिए 1 कटोरी और आधा कटोरी सूजी है ये। और यहाँ पर मैं गैस ऑन कर लिया है और कढ़ाई रख दिया है गैस पर। और यहाँ पर 3 गिलास पानी डालूँगी और यहाँ पर ठंडे पानी में ही चावल की आटा डाल दूँगी और मिला लूँगी इसे अच्छे से। और इसी में सूजी भी डाल देते हैं और सूजी को भी मिला लेते हैं अच्छे से। और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसे पकाएंगे बहुत अच्छे से। देखिए ये ठीक होने लगा है और ये गाढ़ी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स डालेंगे और नमक डालेंगे आधा चम्मच, हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, पापड़ में ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम कम नमक डालेंगे। और इसे मिला लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पर काली मिर्च कूट कर डाला है और इसे भी मिला लेते हैं, इसे स्वाद बहुत अच्छा आता है काली मिर्च से। और यहाँ पर हरा धनिया पत्ता डाल दूँगी, इसे भी मिला लेते हैं। और फ्रेंड्स देखिए ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है ये, और इसे गाढ़ा करेंगे और इसे पकाएंगे 5 मिनट तक। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और प्लेट में निकालने के बाद फ्रेंड्स और ये ड्राई हो जाएगा, इसे ठंडा होने देते हैं। और छत यहाँ पर देखिए मैं बहुत सारा पापड़ बना लिया है और बनाकर भी दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैं बेलन की कोई यूज नहीं किया है और ना ही प्लास्टिक बैग का। देखिए यहाँ पर हाथ में ऑयल लगाकर मैं गोल गोल लोई निकाल लूँगी और हाथों से प्रेस करते हुए देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से फैला दूँगी चारों तरफ से। और बहुत गोल गोल शेप में बना है पापड़ और देखिए बहुत पतला पतला पापड़ बना है। और देखिए दूसरा एक और बनाकर दिखा रही हूँ, इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाएंगे। और सारे पापड़ को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, देखिए हल्के हल्के हाथों से बस बनाना है हमें, बहुत आराम से बन जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे पापड़ को बना लिया है और इसे 2 दिन तक धूप में सुखाऊंगी और उसके बाद दिखाऊंगी। और 1 कटोरी चावल के आटे से और आधा कटोरी सूजी से देखिए कितना सारे पापड़ बना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये पापड़ बिल्कुल सूख कर रेडी हो चुका है और मैंने 2 दिन तक धूप में सुखाया है और उसके बाद दिखा रही हूँ और बहुत अच्छा से ये सूखा है, आप देख सकते हैं। और चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए कढ़ाई रख दिया है गैस पर, पहले से ही रख दिया था, गर्म हो गया है मेरा ऑयल। और इसमें हम पापड़ को फ्राई करेंगे और देखिए इसकी साइज, और फ्रेंड्स इसकी साइज देखिए बड़ी बड़ी हो गई है। और इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं, ये फ्राई हो चुका है। और बाकी पापड़ को इसी तरीके से फ्राई करेंगे, इसके बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने आधी ही पापड़ फ्राई किया है और आधी रखा हुआ है। और देखिए कितना सारे पापड़ मेरा फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये पापड़ का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ, देखिए कितना करारी क्रिस्पी बना है और बहुत टेस्टी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।